बच्चों की प्रतिभा। रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चैंपियंस। मुंबई में हुई 16th रॉयल इंटरजोनल एनुअल एथलीट चैंपियनशिप 2022-23 जिसकी हुई क्लोजिंग और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, जिसमें खास मेहमान बनकर आई एक्ट्रेस मिताली नाग, जो बनी इसका हिस्सा। मिताली हमारे साथ है और एक बार फिर बचपन के दिन लौट आए हैं उनके, कुछ यादें ताजा हो रही है क्योंकि स्पोर्ट्स अगर बात करें तो मिताली स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट रहा है शुरू से, और आज कहाँ आई हो, क्या करने वाली हो, आज पूरा दिन कैसे जाने वाला है? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज आई हूँ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के इंटर जोनल एनुअल एथलेटिक चैम्पियनशिप 2022-23 में। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं बिकॉज रॉयल इंटरनेशनल दैट्स लाइक अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और काफ़ी उसके ब्रांचेज हैं मुंबई में। इट्स अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो मैं एक्साइटेड हूँ। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, जब मैं स्कूल में थी तो आई वॉज नॉट मच इनटू स्पोर्ट्स एक्चुअली, बस वही खाली जो हम अपने बिल्डिंग के नीचे बैडमिंटन खेलते थे ऐसा था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली बड़े होने के बाद, स्पेशली नाउ बिकॉज रुद्रांश मेरा जो 5-year-old सन है, उसका स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। इनफैक्ट रिसेंटली उसने अपने स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पे कुछ विन भी किया, ब्रॉन्ज मेडल। यस, तो अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स में इक्वल इंटरेस्ट लूँ, और मुझे पता होना चाहिए। जैसे रिसेंटली फीफा था, तो फीफा भी क्योंकि रुद्रांश देख रहा था साथ में, तो एज अ मदर अब मेरी ड्यूटी बनती है, आगे अगर मेरा बच्चा जाके कोई स्पोर्ट्स आइकन बन जाए तो आई शुड बी नोइंग थिंग्स अबाउट स्पोर्ट्स, राइट? और हाँ, वैसे अगर आप बात करेंगे तो मुझे क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये दो स्पोर्ट और ये जो दोनों हैं वो मेरे को बहुत पता है। क्रिकेट तो चलो हमारा तो नेशनल मतलब बेसिकली रिलीजन है, क्रिकेट इज़ एक्चुअली रिलीजन दे से, लेकिन फुटबॉल में भी मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आता है देखने के लिए। और अगर आप मेरे खेलने की बात करोगे तो खेलने के लिए मुझे आई थिंक बास्केटबॉल, मुझे वो जो इंटायर वो ट्रिपल करते 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 ऊपर डालो ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर खेलने की बात हो तो आई कैन डेफिनेटली ट्राई बास्केटबॉल। बट आज आई होप यहाँ पे थोड़े से इजी कुछ गेम्स हो या कोई ऐसे स्पोर्ट हो जो मैं पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाऊँगी, बट देखते हैं ट्राई करके अगर कुछ कर पाए तो। क्या कुछ एनुअल स्पोर्ट्स डे या एनुअल डेज होते थे, एनुअल फंक्शन होता था जिसमें सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, तो यहाँ पर भी वही सब कुछ देखने मिलने वाला है, चैंपियनशिप देखने मिलेगी, तो कितनी एक्साइटमेंट है? सो एक्चुअली एज आई सेड मेरे को वैसे तो इंटरेस्ट था नहीं, बट क्योंकि देखो जब स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स होता है, जो मुझे ऐसा लगता है रॉयल इंटरनेशनल जोनल आज है एथलीट चैंपियनशिप, तो सिमिलरली जब मेरे स्कूल का होता था तो हमें तो मैंडेटरी कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ता था। जैसे कि एक मार्च पास जो होता था, यू नो वॉक पास, तो हम अलग अलग जो हाउसेज होते थे, मेरा ग्रीन हाउस था तो ग्रीन हाउस के साथ, और मैं कल्चरल मिनिस्टर भी थी, तो सामने ऐसे फ्लैग लेके मुझे मार्च पास करना पड़ता था। और दूसरा रिले रेस तो करना ही करना पड़ता था, क्योंकि अगर हम बाकी किसी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो हमारे टीचर्स स्पेशली स्पोर्ट्स के जो सर थे वो मेक श्योर करते थे कि हम रिले रेस में पार्टिसिपेट किए। तो ये मेरी बहुत फॉन्ड मेमोरीज है, आज देखते हैं रिले रेस हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। एक बार फिर यादें ताज़ा करते हैं, और मिताली चलिए। बच्चों की प्रतिभा दिखी, सभी ने दिखाया अपना अपना टैलेंट। हुआ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। स्टूडेंट्स ने पेश किए अलग अलग प्रोग्राम। मार्च पास और कई सारे अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर इस क्लोजिंग सेरेमनी में देखने को मिले। रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बच्चों को मौका देता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है, तभी तो देखिए इन सभी बच्चों का जज्बा। और इस इवेंट में मौजूद थे मिस्टर रॉयल, जो है सीईओ रॉयल इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मिस्टर रॉयल हमारे साथ में है, सीईओ ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रुप। तो सर कैसा रहा आज का पूरा ये सेशन?
ये हमारा क्लोजिंग सेरेमनी रहा. दिस वॉज आवर 16th इंटर स्कूल इंटर जोनल कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर ऑल ऑफ आवर चिल्ड्रन अक्रॉस मुंबई नवी मुंबई. कहाँ कहाँ से आए थे पूरे सारे बच्चे और यहाँ तो सारे विनर्स थे? यस, हमारे बच्चे तो पूरे शहर से आए हैं. ये क्लोजिंग सेरेमनी रहा. चिल्ड्रन हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द वेरियस स्पोर्टिंग इवेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 1.5 months. सो दे हैव बीन वेरी एक्साइटेड एंड दे वर ईगली वेटिंग. राह देख रहे थे कि कौन जीतने वाला है फाइनल्स. हमेशा से सपोर्ट रहा है आपका इनके साथ, बच्चों के साथ, और स्पोर्ट्स को खासकर जो मतलब हौसला अफजाई मिलती है और बढ़ावा मिलता है उसके लिए कितने एफर्ट्स और नए नए चीज़ें क्या क्या ला रहे हैं कुछ करिकुलम में इंक्लूड? अब तो सभी जगह है वैसे, लेकिन और कुछ इनोवेशंस क्या क्या? हमारे बच्चे ऑलरेडी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं रिप्रेजेंटिंग इंडिया, whether it be in बैडमिंटन, whether it be in टेनिस, गोइंग फॉर फुटबॉल, सो मेनी डिफरेंट स्पोर्ट्स फील्ड्स. और हम यही उनको इनक्रेज करेंगे कि स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट लिमिटेड फॉर स्कूल टाइम, बट दे कैन ऑल्सो परस्यू इट एज अ करियर. एंड इट इज़ द विजन ऑफ आर चेयरमैन डॉक्टर पिंटो एंड आर मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मैडम ग्रेस पिंटो, विच इज़ वेरी वेल अलाइंड विद द विजन ऑफ आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टू प्रमोट स्पोर्ट्स फॉर ऑल ऑफ आर यंगस्टर्स एंड टू मेक इंडिया प्राउड. इतने टाइम से ये चीज़ चली आ रही है और कितने नए चेंजेस इसमें हो गए हैं अब, मतलब इस बार जो रखा था पूरा मंथ रहा है, देन आज क्लोजिंग सेरेमनी है. तो ये हमारा स्पोर्ट्स जारी है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम लास्ट मोर देन 40 ईयर्स हम प्रमोट कर रहे हैं, इनक्रेज कर रहे हैं बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए. और हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, नॉट जस्ट द फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे. एंड इट इज़ स्पोर्ट्स एज एन एक्टिविटी and we have even many marathons for our children where more than 2 lakh children participate across India and we have across various cities. So participating in sport, that is what we want to encourage our children. Asli kya message dena chahenge for all? Yehi message hai, hum batate hain bachchon ko ki just getting the prize is not important, what is really important is participating. To participate, we believe our children are winners. In life, we call all our Ryanites little kings and queens in the making. और life में आगे बढ़ के winners दिखाना है उनके parents के लिए और हमारे देश के लिए. इन बच्चों को देख के तो मुझे भी अंदर जोश आ रहा है इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ रायन इंटरनेशनल के CEO ने अपने स्पीच में बोला था कि स्पोर्ट इज़ बेसिकली इट वर्क्स ऑन नॉट जस्ट योर बॉडी बट ऑल्सो योर माइंड. तो अब मैं तो टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, इतना अच्छा ग्राउंड है, नेट वेट सब बना हुआ है, तो शुरुआत मैं जॉगिंग से कर ही सकती हूँ, राइट, रनिंग. So let's go. वैसे मिताली नाग ने 16th रायन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंटरजोनल एनुअल एथलीट चैंपियनशिप को खूब एंजॉय किया और यहाँ उन्हें अपने स्कूल के दिन ही याद आ गए. तो मिताली कितना मजा आया, कितना एंजॉय किया, बच्चों को देख के उतनी एनर्जी मतलब आ गई खुद में खुद के अंदर? एक्चुअली वैसे मैं तो ये सोच रही थी कि मुझे यहाँ कैमरा के लिए रेस वेस भागना पड़ेगा, बट थैंकफुली आप लोगों ने वो कुछ नहीं करवाया मुझसे. इनफैक्ट आज का जो ये इवेंट था वो बेसिकली इट वाज मेजरली द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो रायन इंटरनेशनल के अलग अलग स्कूल्स हैं, अलग अलग जोन्स के, वहाँ के जो विनर्स थे अमंग्स देम आज कॉम्पिटिशन था, वो बहुत बड़ी बात थी. और इतने सारे बच्चे अलग अलग कलर्स के अपने अपने ड्रेसेस पहने हुए हैं, वो मार्च पास कर रहे हैं, एंड यू नो बैंड और फिर एरोबिक्स का जो डिस्प्ले उन्होंने किया, वो सारी चीज़ें वो देख के मुझे बहुत मज़ा आई. मुझे ऑनेस्टली मेरी स्कूल की याद आ गई एंड इट वॉज इनफैक्ट मेरे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मैं देख रही थी देखिए यही बच्चे हैं, इनमें क्या पता कल जाके हम कोई सचिन तेंदुलकर, कोई विराट कोहली हम देख रहे हो, यू नेवर नो. सो मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई एंड आई अप्रिशिएट कि रायन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पे इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं. आप देखिए रायन इंटरनेशनल के बच्चे कहाँ कहाँ से हैं, वाशी से, पनवेल से, खारगढ़ से, इतनी दूर दूर से बच्चे आए हैं यहाँ पे. आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव एंड आई विश ऑल द किड्स एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट रायन इंटरनेशनल द ग्रुप बेसिकली फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट इवेंट. मुझे तो बहुत मज़ा आई आज यहाँ पे. वैसे रायन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को आगे बढ़ाए. पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतने ही जरूरी है और इस बात का ध्यान ये बखूबी रखते हैं. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट कर अपनी राय दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें. नाम तो आपको पता ही है, सास बहू और पेटियां.